as we welcome back after the break, you're watching Sunday Brunch. Hamare saath Dr. Saqib Siddiq sahab aur Dr. Jahan hamare saath is waqt maujood hain hamare program mein aur hum baat kar rahe the infertility and the treatment procedures that exist in Pakistan. Pakistan mein available hain aur jo abanchpan dur karne ke liye procedures conduct kiye ja rahe hote hain. Hum baat kar rahe the break se pehle Dr. Saqib, aap hame ek to explain bhi kar rahe the Dr. Saqib, lekin saath saath hum baat kar rahe the sperm count ke hawale se. But I would want ki aap pehle wo procedures bata dein. स्लाइड प्लीज डिस्प्ले करते हैं। ये वाली जी, इस डायग्राम को अगर आप देखें, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है तो इसमें ये ओवरी में से एग्स बनते हैं नॉर्मली और ये ट्यूब में चले जाते हैं. हस्बैंड के स्पर्म नीचे से ट्रेवल करके यूट्रस में से गुजरते हुए आके एग के साथ मिलेंगे और फिर एम्ब्रियो बन के यूट्रस में आके इम्प्लांट होता है. इस आईवीएफ के अंदर हम ये करते हैं कि हम एग्स को ओवरी से उठा लेते हैं, एग्स को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं ओवरी से. ये जो ग्रीन से आपको नजर आ रहे हैं, ये हमने ओवरी से एग्स को निकाल लिया और उधर से हस्बैंड के स्पर्म ले लिए और एग्स और स्पर्म को हमने लेबोरेटरी के अंदर इंक्यूबेटर में मिक्स किया. एम्ब्रियो लेबोरेटरी में बनेगा, फिर जहाँ ये एरो का निशान लगा हुआ है और इसके जरिए से नीचे से ये हम इसको एम्ब्रियोज को यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं और एक वक्त में हम 2 से 3 एम्ब्रियोज ट्रांसफर करते हैं. 2 से 3 एम्ब्रियोज ट्रांसफर करने की वजह ये होती है कि अगर एक खुदा ना खास्ता इम्प्लांट ना हो तो दूसरा एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा, तो जो एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होता वो नेचर उसको डिस्कार्ड कर देती है. डॉक्टर साकिब, इन मोर सिंपल टर्म्स, एक आम आदमी के लिए जिसको अगर प्रॉब्ली ये चीज देख के नहीं समझ आ रहा होगा, उनके लिए मजीद आसान अल्फाज में क्या प्रोसीजर है? बेसिकली ये फिलोपियन ट्यूब का बाईपास प्रोसीजर है. ये यूट्रस में आपने देखा होगा साथ 2 ट्यूब लगी हुई है, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे. तो ये प्रोसीजर ट्यूब का बाईपास, जिस तरह हम हार्ट का बाईपास ऑपरेशन करते हैं, ये आप समझें कि ये बच्चेदानी की जो ट्यूबें हैं, यूट्रस की जो ट्यूब्स हैं, उसका बाईपास है. अच्छा. क्योंकि इस इलाज के अंदर अगर किसी खातून की ट्यूब्स ब्लॉक हो गई है या ट्यूब अगर डैमेज हो गई है या अगर ट्यूब अवेलेबल भी नहीं है तो फिर भी ये ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें ट्यूब की जरूरत नहीं है. अच्छा. हमने एग्स को यहीं से ओवरी से उठा लिया है और बाहर निकाल लिया, हस्बैंड के स्पर्म को ले लिया और यूनियन ऑफ द स्पर्म एंड द एग इज टेकिंग प्लेस इन द लेबोरेटरी. ठीक है. सो विच मीन्स कि हमने ट्यूब का जो पैसेज है वो इस्तेमाल करने की बजाय हमने इसको बाहर फर्टिलाइज करवाया, बाहर एम्ब्रियो बनाया और फिर उसको हमने यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया. ठीक है. इसमें 2 चीजों का फायदा हुआ. एक, अगर फिलोपियन ट्यूब जो है ना वो ब्लॉक है तो वो बाईपास होगी. सेकेंड ये है कि यूनियन ऑफ द स्पर्म एंड द एग के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो वो इसमें सॉल्व हो गया. अच्छा. विच मीन्स कि अगर एग्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या स्पेशली स्पर्म्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो हमने बाहर लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप के जरिए से वो उसको इंजेक्ट कर दिया. ठीक है. स्पर्म मैं साथ साथ लाइव कॉल्स के लिए नंबर भी बताते चलूं. 04236367325 हमारा टेलीफोन नंबर है. 042 कोड है, 36367325 हमारा टेलीफोन नंबर है. हमें लाइव कॉल जरूर कीजिए और अपने सवालात आप एड्रेस करवा सकते हैं और डॉक्टर साकिब से, डॉक्टर जहानार से. डॉक्टर साकिब, स्पर्म काउंट, इजोस्पर्मिया का हमने लफ्ज सुना है, इजोस्पर्मिया होता क्या है? बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया. इजोस्पर्मिया का बेसिकली मतलब ये है कि स्पर्म नहीं है. कॉलर सॉरी, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है. जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. कौन सा बात? मैं मुबशर कर रहा हूँ. जी जी मुबशर, मुझे 2 सवाल पूछने थे डॉक्टर साहब से. जी जी, हम अपना थोड़े अपने डॉक्टर साहब एक और है उनसे चेक करवाया था तो उन्होंने कहा था कि आपके जो वाइफ है उनके एग्स नहीं बन रहे, तो एक ये सवाल था इसका मुझे बता दे. और दूसरा, डॉक्टर साहब किस हॉस्पिटल में होते हैं ताकि हम वहाँ उनसे रब्ता कर सके बाद में. बहुत शुक्रिया मुबशर हमें कॉल करने के लिए. एग्स एक तो वाइफ के वो कहते हैं नहीं बन रहे और डॉक्टर साहब की इन्फॉर्मेशन किस तरह से इनको अप्रोच किया जा सकता है. लाहौर में मिड सिटी हॉस्पिटल में ये होते हैं. हम फर्दर डिस्प्ले करते रहेंगे डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी. एग्स वाइफ के नहीं बन रहे. एग्स बनने का आजकल के मॉडर्न तरीके में बेशुमार ऐसी मेडिसिन अवेलेबल हैं जिनसे एग्स बनने काफ़ी सक्सेसफुली एग्स हम बना सकते हैं. जिस तरह मैंने अभी ये बयान करा था कि हम एग्स को निकालते हैं, पहले हम एग्स मैच्योर करने की मेडिसिन देते हैं खातून को. वो ओरल फॉर्म में भी है, खाने वाली दवाइयाँ भी हैं और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी हैं. वो दवाइयाँ दे के एग्स मैच्योर करते हैं, उसके बाद हम उसको एग्स को निकाल लेते हैं. लेकिन अगर ज़रूरी नहीं है कि हर केस में हर इलाज में हम एग्स को बाहर निकालते हैं. सो इनके सवाल का बेसिकली जवाब ये है कि एग्स बनने की दवाइयाँ अवेलेबल हैं. ठीक है. और सेकेंड सवाल, हम डॉक्टर साहब की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करें.